ब्रेड रोल की इतनी आसान रेसिपी देख करके आप हो जाएंगे हैरान। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड रोल फटाफट। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मास्टर कार्तिक के ब्लॉग में। तो आज बनाएंगे ब्रेड रोल और बहुत आसान तरीका इसका बताएंगे ब्रेड रोल बनाने का और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट। सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से हम इसमें जो है ब्रेड रोल बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या ऐड करके इसे जो है और टेस्टी बनाएंगे तो आपको भी आज ये दिखाएंगे और हम किस तरीके से बनाते हैं और आपको भी बताते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाएंगे आज ब्रेड रोल। तो आलू उबाल करके रख लिए थे हमने और ये जो है कसने वाले से हम इसे कस लेते हैं जिससे कि ब्रेड रोल जो है बहुत अच्छे बने और जो है आराम से वो बाउंड हो पाए, इसलिए जो है हम लोग इससे कस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3-4 कली लहसुन की और एक प्याज ले लिया है। तो सारे आलू मैंने कस करके रख लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसे आप भी कस लीजिए। और यहाँ मैंने एक प्याज बारीक प्याज कट कर लिया है, ये लहसुन भी मैंने कट कर लिया है, ये ले लिए हैं मैंने यहाँ पर ब्रेड। अब मैंने 4 ब्रेड एक साथ लेकर के उनके एक के ऊपर एक लगा करके उसका ब्रेड जो ये ब्राउन पार्ट होता है उसे कट कर ले रही हूँ और ब्राउन पार्ट कट करके उसे अलग कर लेती हूँ जिससे कि ये जो बनाने में जो आसानी होती है, नहीं तो ये जो है बाद में ये परेशानी करते हैं ये बाहर की लेयर्स की। तो ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आप एक एक करके भी कट कर सकते हैं लेकिन मैंने एक साथ ही कट कर लिया है टाइम की बचत करने के लिए। अब एक थाली में पानी लेकर के इसको ब्रेड को डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसको अपने हाथों से प्रेस करके इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हम होगा उसे निकाल लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ब्रेड के जो साइज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो दुगने हो जाते हैं। जितना ब्रेड होता है छोटा सा उसका साइज़ जो होता है दुगना हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा वाला करके दिखा दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी लेंगे और हाथ से उसको प्रेस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐसे लगा लेंगे खाली, उसको भिगा के नहीं रखेंगे नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। और खाली पानी लेकर के और उसको निकाल देंगे उसी समय, उस समय प्रेस कर लेंगे, पूरा पानी उसका अलग कर लेंगे और जो है उसको प्रेस करके हाथों से, ये देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। और अब देखिए साइज़ कितना बड़ा हो गया है इसका, जिससे कि ब्रेड रोल आसानी से बन जाएंगे। अब आलू में हम मिक्स करेंगे प्याज, ये देखिए पतला पतला प्याज कट किया हुआ है, इसे कट इसे हम इसमें मिक्स करेंगे और लहसुन भी हम कट मिक्स कर देंगे। ये मेरी ट्रिक है, यही इसमें मेन है कि ये ट्रिक है इसमें कि आप जो है कच्चा लहसुन इसमें डाल करके देखिए कितना बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। आज आप इस तरीके से बना करके देखिए अपने घर में ब्रेड रोल, तो देखिए आपको कितना मतलब उसका जो स्वाद है ना वो दुगना हो जाएगा। आप ये देखना और इसी तरीके से आप बना करके एक बार इस विधि को आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। अब डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, जितना भी आप नमक खाते हैं अपने तो इसमें ऐड कर लीजिए, आलू और आलू के इस डो में आप ऐड कर लीजिए। और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी को भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीबन धनिया, ये देखिए धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च, लाल मिर्च डाल रही हूँ। और आगे देखिए यहाँ मैं डाल रही हूँ अभी रॉयल गरम मसाला, तो थोड़ा सा हम आधा चम्मच के करीबन गरम मसाला भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सब को हम लेकर के सारा पूरा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है ये देखिए इस तरीके से आप भी मिक्स कीजिए। पूरा अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसको जिससे कि बनाने में आसानी हो। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद जा कर के ब्रेड रोल की अभी हम तैयारी कर लेते हैं जब तक। तो आलू को जो है आप देखिए इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, थोड़ा सा तेल लगा करके, क्योंकि ये अच्छे से थोड़ा गीले हो रहे हैं ये आलू, क्योंकि ये नए आलू होंगे, अगर पुराने आलू होते तो ऐसे तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये थोड़ा गीले हो रहे हैं इसलिए तेल लगा करके हाथों में इन्हें हम ओवल शेप दे देंगे।
देखिए जैसे मैंने दे ये ऐसे बना लिए हैं ओवल शेप में, तो इस तरीके से बना करके इसको रख लेते हैं। अब ब्रेड को हाथ में उठा करके आलू का जो हमने रोल बनाया है उसको ले लेंगे और एक ब्रेड के अंदर रखते हुए उसको अच्छे से बाउंड करेंगे और अच्छे से उसको ओवल शेप देते हुए, ब्रेड को ओवल शेप देते हुए बनाएंगे ब्रेड रोल। देखिए जैसे मैंने किया है ऐसे इसके अंदर रख करके इसको प्रेस करके अच्छे से इसको बंद कर लेंगे और जिससे कि ये तेल में फटे ना, तो इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके ओवल शेप इसको दे देंगे हम, ऐसे बना सकते हैं इसको आसानी से। एक दूसरा भी मैं आपको फटाफट करके दिखा दे रही हूँ, पानी में डिप करके उसको प्रेस करके, और थोड़ा सा फट भी जाए तो कोई बात नहीं, वो चिपक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो आराम से बन जाता है। तो इसको हम पानी को अच्छे से इसमें निकाल लेंगे, निकाल करके पानी को एक ले लेंगे हम रोल, आलू का जो रोल है उसको ले लेंगे। आलू के रोल को हम जो है ब्रेड के अंदर ऐसे डाल करके इसे अच्छे से बंद कर लेंगे जैसे कि मैंने किया है। ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेड रोल बन गया है, आसानी से बन के रेडी हो गया ये। मैं सब जगह से इसको बंद कर ले रही हूँ जिससे कि ये खुले ना। और ये देखिए ऐसे बना करके मैंने सारे ही मैंने ऐसे बना करके रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इतने सारे मैंने रेडी कर लिए हैं बना करके, तो आप भी ऐसे ही बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी थाली पूरी थाली बना भर करके रख लिया है, सारे ब्रेड रोल रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें सिर्फ ऑयल में हम फ्राई करेंगे और यहाँ देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहा है, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो ब्रेड रोल के लिए तेल गर्म हो चुका है, तो अब जाके इसमें डालते हैं ब्रेड रोल। अब ये देखिए मैंने ये थोड़ी सी गलती कर दी है कि मैंने थोड़ा सा गीला रह गया है ब्रेड रोल का जो ब्रेड था, तो इसलिए वो चिपक गया है थोड़ा सा, अदरवाइज़ और सारे जो हैं सुखा लिए थे मैंने, एक आध दो बार लास्ट के थोड़ा सा गीले रह गए थे। तो अब सारे ब्रेड रोल्स को हम कर लेते हैं तेल में फ्राई और एक छलनी की मदद से इनको पलट पलट लेंगे जो हो गए हैं, क्योंकि तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था। तो मैंने फिर उसके बाद इसको जो है लो मीडियम पर को फ्लेम जो है लो मीडियम ही मैंने इसको रख लिया है और इसमें ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और यहाँ देखिए पक कर के ये हो गए हैं रेडी और कितना बढ़िया शानदार लग रहे हैं, दिखने में ही लग रहा है कि होंगे बहुत खाने में अच्छा लगेंगे, स्वादिष्ट होंगे। तो अब मैंने निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और ये देखिए यहाँ छलनी की मदद से मैं इसको जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ और इनका तेल एक्स्ट्रा तेल को भी छलनी की मदद से हम निकाल लेंगे और ये देखिए हम सारे ऐसे ही करके निकाल करके सारे प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे ब्रेड रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं और देखिए मैंने लास्ट वाला निकाल करके भी इसे रख लेती हूँ, कितने बढ़िया शानदार लग रहे हैं, देखने में ही लग रहे हैं बहुत बढ़िया, और सॉस भी मैंने साथ में रख लिया है, बहुत अच्छा लगता है सॉस के साथ ये। तो आपको मेरी ये ब्रेड रोल की रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और तो मैं मिलती हूँ आपसे।